बच्चों, हमें ज्योमेट्रिक शेप से ड्राइंग्स किस तरह बनानी है इसके ऊपर सीखना चाहिए। सिंपल ज्योमेट्रिक शेप है स्क्वायर, ये स्क्वायर पहले वीडियो में बनाया था, स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया और ये ओवल शेप हो गई, इस ओवल शेप से और ये रेक्टेंगल शेप से हट को किस तरह से। अब इन शेप्स को लेकर के आप एक ट्रायंगल यहाँ पर यूज हुआ लगाया और ये लाइन्स की और हमारी ये आर्ट की से बनी। कहने का मतलब है कि हम रेक्टेंगल क्यूबॉइड बना करके हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। स्क्वायर से हमने काइट बना ली, स्क्वायर से काइट बन गई, इस स्क्वायर रेक्टेंगल से हमने आर्ट बना दी, ओवल शेप से हमने फ्लावर की शेप बना ली, इसी ओवल शेप से हमने बैलून की शेप बना ली, फ्लावर की शेप बना ली, इसी ओवल शेप से हमने डक बनाने की कोशिश की है, तो इस तरह से इसी ओवल शेप से हमने ये फ्लावर्स बना लिया जो आपको इसमें वीडियो में दिख जाएगा। इसी ओवल शेप से बना लिया है, इसी ओवल शेप से हमने एक फ्लाई बना ली, दो तरफ ओवल शेप लगाई और ये हमारी फ्लाई बन गई। इसी ओवल शेप को लेकर के हमने क्या किया, एक सीनरी बना ली है। डक बनाना सीख गए तो डक बनाना सीखने के बाद, फ्लावर बनाना सीखने के बाद हम एक सीनरी बना सकते हैं। हमने उस पेपर को डिवाइड कर लिया, पेड़ पौधे बना करके और सिंपल सीनरी से हमने सिंपल ड्राइंग के द्वारा हम ये डक बना करके एक हमने पॉन्ड की सीनरी बना ली। तो इस तरह से सिंपल ड्राइंग के द्वारा आप शेप्स के द्वारा चीज़ों को ढंग से कर सकते हो। इसे पहले हमको डक बनाना ना चाहिए, ठीक है। अब हमने टू बनाए, उस टू की शेप को लेकर के हम टू की शेप से हम डक को कैसे बनाए, हमने टू की शेप बनाना सीखे, उसके बाद हमने डक की ड्राइंग बना ली। उस टू उस ओवल शेप से ही हमने ये वर्ड्स बना ली। इन्हीं चीज़ों से हम जब हम सिंपल रूप में डक बनाना, बर्ड बनाना सीखे और उसी ओवल शेप के द्वारा ही हम ये हमने ड्रॉप्स बनाए, ये भी ओवल शेप है। अगर इस ड्रॉप्स के अंदर हम पानी का कलर भरते हैं तो ये ऐसा लगेगा जैसे बारिश हो रही है। तो सिंपल ड्राइंग सीखना, जब हमें सीखनी है तो हमें शेप्स को बनाना सीखना चाहिए और शेप्स को बनाना सीखने के बाद ही हम उसके अंदर कलर करते हैं तो हमारी ड्राइंग और ज़्यादा सुंदर होती है, सुंदर दिखती है। तो इस तरह से आप चीज़ों को बनाने की कोशिश करो। ये देखो, केवल कलर्स को लेकर के हम सिर्फ केवल कलर्स को लेकर के अगर हम लाइन करें तो एक अलग तरह से शेप आ जाती है और हमारा हाथ फ्री होता है। हमें हाथ को ड्राइंग बनाने के लिए फ्री करना, हमें शेप्स के लिए उसको फ्री करना। जब हम वो शेप सीख गए, ओवल शेप सीख गए, तब हमने ये फ्लावर बनाया, फिर हम उसके अंदर कलर बनने की कोशिश करते हैं, तब हम उस जो है हमारी कलर बनने के बाद ड्राइंग और सुंदर हो जाती है। जब इन चीज़ों को सीख लेते हैं तब हम और कई ड्राइंग इस तरह की हम धीरे धीरे करना सीख जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गई हमें ज्योमेट्रिक शेप को तरीके से बनाना सीखना, उसके बाद ही हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये बच्चों, आप ओवल शेप, स्क्वायर बनाना सीखो, ट्रायंगल बनाना सीखो, रेक्टेंगल बनाना सीखो और इनको लेकर के फिर आप ड्राइंग को, अपनी ड्राइंग को पूरा करो और इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, इन शेप्स के ऊपर अपनी हाथ जितना आप इसमें इसके ऊपर पेंसिल चलाओगे, धीरे धीरे चीज़ें आपको आपके आदत में आ जाएंगी और फिर उन चीज़ों को आप आसानी से बना सकते हो। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को लेकर के, इन्हीं शेप्स को लेकर के आप दूसरी ड्राइंग भी कर सकते हो, इन्हीं शेप्स को लेकर के आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, या आपने शेप्स ली और इसको लेकर के आपने फिश बना ली, बटरफ्लाई बना ली,
सर्कल रूप में या काइट्स बनाने की प्रैक्टिस की, और स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल लेकर के आपने कलर किस तरह से सीखा जाए और कलर्स के बारे में भी आप इस तरह से सीख सकते हो। तो सारे बच्चे अगर इस तरह की प्रैक्टिस करें, छोटे बच्चे सेकेंड थर्ड क्लास के, तो वो अपने रंगों के बारे में, शेप्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं।